हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में, हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। पहले हमने आयंस डिस्कस किए थे कि आयंस क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया था किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, है ना। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, तो C2O4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C2O4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C2O4 आ जाएगा, राइट, C2O4 आ जाएगा, ठीक है। आपको बताए 2 और 4 क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, तो 2 आपका 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, राइट। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कॉम्प्लेक्स आयन का भी बताया था। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको NH4+ और CO32- सल्फेट का कर लेना है, SO42- का करना है, तो आपको पता है कि अमोनियम आयन की वैलेंसी कितनी है, जितना उसके ऊपर चार्ज है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, जितना इसके ऊपर चार्ज है इसकी वैलेंसी कितनी जाएगी 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका, NH4 होल ट्वाइस SO4, राइट, NH4 होल ट्वाइस SO4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका 2 आया और SO4 के साथ 1 आया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सिमिलरली पोटेशियम और ऑक्सीजन का अगर आपने देखा, पोटेशियम और ऑक्सीजन के देखा, पोटेशियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, पोटेशियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, राइट। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो पोटेशियम के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका K2, और यहां पर जाएगा ऑक्सीजन के साथ 1, आप उसको खाली भी छोड़ सकते, ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसको आप खाली भी छोड़ सकते, राइट। सिमिलरली आपका मैग्नीशियम और O2, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, है ना, डू ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, Mg2O2 आ जाएगा, Mg2O2 आ जाएगा, जहां पर 2 आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, MgO आ जाएगा। क्या आ जाएगा? MgO आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, राइट, MgO आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, राइट। चलिए, ये हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे। आज हम पढ़ने वाले एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास एंड हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, राइट। एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एंड कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। देखो, डिफिनेशन हजारों दे दो, मैं कहता हूं डिफिनेशन हजारों दे दो, आप सिंपल मीनिंग को बदल नहीं सकते, इतना आसान है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, किसी एक एटम का मास एटॉमिक मास, किसी एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, इट इज जस्ट सिंपल एज दैट, है ना। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, सिंपल। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास जो होगा उसे कहेंगे एटॉमिक मास, सिंपल सी बात है। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा आपका, एटॉमिक मास कहलाएगा। इन अ वेरी सिमिलर मैनर मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि केमिस्ट्री में आपको मोल, है ना, मास और वेट में कोई अंतर नहीं होता, तो एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक मास ही होगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में कोई डिफरेंस नहीं बच्चों, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में कोई डिफरेंस नहीं। इन अ सिमिलर मैनर मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं,
मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम एंड मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम एंड मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम एंड मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक एटम का मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 एमयू। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24 एमयू। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 एमयू। इस एटॉमिक मास है, तो अगर आपसे कोई पूछे कार्बन के एक एटम का मास कितना है तो आप कहेंगे 12 एमयू। मैग्नीशियम के एक एटम का मास कितना है? 24 एमयू। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, है ना? ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 एमयू, ठीक है। इस तरीके से सोडियम के एक एटम का मास कितना है? सोडियम के 23 एमयू। तो ये सब क्या है? एटॉमिक वेट। क्या है? एटॉमिक वेट है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम। एक एटम को मास को हम क्या कहते हैं? एक किसी पर्टिकुलर एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, सिंपल। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 एमयू। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24 एमयू। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 एमयू। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 एमयू। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 एमयू, राइट। तो एटॉमिक मास जो है क्या होता है? एक एटम का मास। एटॉमिक मास क्या है आपका? एक एटम का मास, राइट। एटॉमिक मास क्या है आपका? एक एटम का मास है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका? किसी मॉलिक्यूल का मास। फॉर एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 44 एमयू, राइट। CH4 मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? 16 एमयू, है ना। सिमिलरली C2H6 का क्या होता है? 30 एमयू। H2 मॉलिक्यूल का कितना होता है? 2 एमयू, 2 एमयू। तो सिंपली वी कैन, ना, सिंपली वी कैन राइट एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट इज मास ऑफ वन एटम या वेट ऑफ वन एटम, राइट। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 एमयू होता है। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? 24 एमयू होता है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 एमयू होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 एमयू होता है। और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 एमयू होता है। वही तो मॉलिक्यूलर मास या वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास या वेट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 44 एमयू। CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 44 एमयू। CH4 का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 एमयू। C2H6 का एटॉमिक मास क्या होता है? 30 एमयू। और H2 का क्या होता है? 2 एमयू, राइट। तो वो एटॉमिक मास तो आपको याद करना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन में दिया हो, है ना। एटॉमिक मास जो है आपको हर एक एलिमेंट का या तो याद करना पड़ेगा या तो क्वेश्चन में दिया होगा। सीबीएसई का एक रूल है कि वो क्वेश्चन में देते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास अगर कहीं जरूरत पड़ेगी, अगर एटॉमिक मास की कहीं जरूरत पड़ेगी, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कहां दिया होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। कहां दिया होगा? गिवन इन द क्वेश्चन। एटॉमिक मास कहां दिया होता है? गिवन इन द क्वेश्चन। और बेहतर है कि कुछ पॉपुलर जो है क्वेश्चन में दिया होता है। एटॉमिक मास कहां दिया होता है? क्वेश्चन में दिया होता है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस क्या करें आप? याद करके रखें। कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस क्या करके रखें आप? याद करके रखें। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास क्या करें आप? याद करके रखें, राइट। क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास क्या करें आप? याद रखें। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन पॉसिबल, राइट। हम मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रेडी डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ लो। जैसे एस एट का क्या है, है ना, पी फोर का क्या है, ठीक है, ओ टू का क्या है, एन टू का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है ना। अभी बात एस एट का मास क्या होगा?
एस एट का क्या मास होगा? एस एट में कितने सल्फर एटम है? 8 सल्फर एटम है, तो एस एट का क्या मास होना चाहिए? 8 इंटू एटोमिक मास ऑफ सल्फर, एटोमिक मास ऑफ सल्फर, सिंपल। देखो एक सल्फर के मास को हम कहते हैं एटोमिक मास ऑफ सल्फर, है ना, एक सल्फर का जो मास है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, क्या कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, है ना। तो क्या है सिंपली आपका, एक अगर सल्फर कहीं एक सल्फर एटम है, एक सल्फर एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 Me, ये होता है एटॉमिक मास। अब हमें अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है एसिड का, तो हमें पता है कि सल्फर इसमें कितने 8 है, नंबर में 8 है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू सल्फर का मास, 8 इंटू सल्फर का मास, और सल्फर का मास कितना होता है 32 Me। या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया होगा निश्चित रहें, सीबीएसई क्वेश्चन में देता है, तो मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे, इवन आईआईटी जेईई और नीट भी क्वेश्चन में देता है, तो डोंट वरी, ठीक है, है ना। 8 इंटू सल्फर का मास कितना होगा 32, तो आप इसको कर लीजिए 8 to 10 16 1, इतना आ जाएगा 256 Me हो जाएगा इसका मास। सिमिलरली T4 का मास कितना हो जाएगा, T4 का मास हो जाएगा 4 इंटू फॉस्फोरस का मास, 4 इंटू फॉस्फोरस का मास, फॉस्फोरस का मास होता है 31 Me, क्या होता है 31 Me, फॉस्फोरस का मास कितना होता है 31 Me होता है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 इंटू 31, दैट कम्स आउट टू बी 124, आप करके देखो 124 Me। सिमिलरली O2 का मास कितना होगा, 2 इंटू ऑक्सीजन का मास, दैट इज 16, 2 इंटू ऑक्सीजन का मास, दैट इज 16, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 Me। सिमिलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 2 इंटू नाइट्रोजन का मास, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, राइट, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14 Me, तो ये आ जाएगा 28 Me। तो आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर देख लेना पड़ेगा और एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे हमें निकालना है, सपोज हमें निकालना है C2H6 का मास, C2H6 का मास निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, 2 इंटू कार्बन का मास, 2 इंटू इसमें कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, देखो इसमें कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो कैसे निकलेगा 2 इंटू कार्बन का मास प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास होता है आपका 12, तो 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1, अब इसको सॉल्व करो तो 12 इंटू 24 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 Me हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 Me, राइट, 30 Me हो जाएगा, ठीक है। चलो सिमिलरली CO2 का निकालना, ठीक है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, मैं दे दिया हूं CO2 का निकालना, ठीक है। सिमिलरली H2SO4 का निकालना, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास आपको दिया हुआ, ऑक्सीजन का मास ऊपर दिया हुआ, ठीक है। H3PO4 का निकालना है, फॉस्फोरस का मास आपका होता है 31, हाइड्रोजन और सल्फर का मास आपको दिया हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास आपको इधर दिया हुआ, आपको सबके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैं मॉलिक्यूल देता जाता हूं। फिर आपको निकालना है Na2SO4 का, सल्फर और ऑक्सीजन का दिया, सोडियम का मास दे देता हूं 23 Me आपको निकालना है, Na2SO4 का निकालना, ठीक है, NH4Cl का निकालना है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का आपको मालूम है, इसका निकालेंगे आप, ठीक है। H2CO3 का निकालेंगे, हाइड्रोजन का आपका होता है 1 दिया हुआ है, कार्बन का आपका होता है 12, 1 दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ठीक है। वाटर का आप निकालेंगे, रिक्वायर्ड सारे दिए हुए, जो पहले मैंने दे दिया, ऑक्सीजन का जैसे यहां दे रखा है तो आपको दोबारा नहीं दूंगा, राइट। H2S का निकालना, ठीक है, फिर आपको निकालना है H2SO3 का, ठीक है, H3PO2 का, CH4 का, ठीक है, C5H12 का, C6H6 का, ठीक है, फिर आपको निकालना है
Li2CO3 लिथियम का मास मैं दे देता हूं 7 होता है, लिथियम का होता है 7, लिथियम का कितना होता है 7 होता है, ठीक है। फिर आपको निकालना कैल्शियम का अमाउंट, कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, ध्यान रखना। ऐसा आप नोट करके निकालना, मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इन सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना, ठीक है। चलिए इतना काफी, इतना करिए, चलिए आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, नोट करके ट्राई करिए। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां पर CO2 का कैसे निकलेगा, एक कार्बन का मास जो कि 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास, एक कार्बन का मास जो कि आपका क्या है 12, एक कार्बन का मास जो कि आपका क्या है 12 है, प्लस 2 इंटू 16 2 इंटू ऑक्सीजन का मास, राइट, 2 इंटू ऑक्सीजन का मास। तो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका जाएगा 44, कितना जाएगा 44 ए एम यू, राइट। बात तो आपने नोट कर ही लिया होगा, H2SO4 और H3PO4 था, H2SO4 और H3PO4 था, ठीक है, साफ सुथरा कर लेते हैं थोड़ा। अब चलिए H2SO4 का होता है, H2SO4 का क्या होगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास दैट इज 1 प्लस सल्फर का मास दैट इज 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, राइट। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस एक सल्फर का मास, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस एक सल्फर का मास, है ना, प्लस 1 सल्फर का वेट प्लस 4 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16 आपका क्या है ना ऑक्सीजन का मास। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आया आपका 98 AMU, क्या आ जाएगा आपका 98 AMU, कितना जाएगा 98 AMU, ठीक है। H3PO4 को देखें, H3PO4 का कैसे निकला, 3 इंटू हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस 1 फास्फोरस का वेट होता है 32 प्लस 16 इंटू 4, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4 किया आपने, इसको आप सॉल्व करोगे ये भी आपका 98 AMU हो जाएगा, कितना आ जाएगा 98 AMU, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोडियम सल्फेट का निकालना, 2 इंटू सोडियम का मास, है ना, कैसे निकलेगा देखें, 2 इंटू सोडियम का मास 2 इंटू 23 प्लस 1 सल्फर का वेट 32 प्लस 16 इंटू 4 ऑक्सीजन का मास, तो ये करोगे आप सॉल्व तो 96 आ जाएगा, ये आप सॉल्व करोगे 46 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 142 142 ग्राम आ रहा है, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, आप देख लीजिएगा 142 ग्राम आएगा, Na2SO4 का क्या आएगा 142 ग्राम आ जाएगा। फिर इसको करेंगे NH4Cl को करेंगे, NH4Cl का क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का वेट 40 प्लस 4 इंटू 1 हाइड्रोजन का वेट, मतलब 4 हाइड्रोजन का वेट प्लस क्लोरीन का वेट 35.5, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो AMU में आ जाएगा वेट आपका NH4Cl का। H2CO3 का देखो, 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट, 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट प्लस कार्बन का वेट, कार्बन का वेट कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 3 ये आपका ऑक्सीजन का वेट हुआ, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन का वेट 2 इंटू 1 क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन का वेट प्लस आपका 16 इंटू 3 3 ऑक्सीजन का वेट, राइट। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल का कैसा होगा, वाटर मॉलिक्यूल का होगा 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का वेट प्लस 1 ऑक्सीजन का वेट, यह जगह आपका 18 AMU, राइट। H2S का देखो, सॉरी H2S का देखो, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का वेट प्लस सल्फर का वेट, यह जगह आपका 34 AMU, राइट, AMU में आएगा, कितने में आएगा AMU में आएगा, ठीक है। सिमिलरली H2SO3 का देखो, H2SO3 का देखो कैसे आएगा, ठीक है। H2SO3 का देखो, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का वेट प्लस 1 सल्फर का वेट, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का वेट, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का वेट प्लस 1 सल्फर का वेट प्लस 3 आपका ऑक्सीजन का वेट, इसको सॉल्व कर लोगे तो H2SO3 का आ जाएगा, है ना। H3PO2 का देखो, 3 हाइड्रोजन का वेट प्लस 1 फास्फोरस का वेट प्लस 2 ऑक्सीजन का, प्लस 2 ऑक्सीजन का, इसको सॉल्व कर लोगे तो H3PO2 का आ जाएगा। CH4 का देखो, एक कार्बन का वेट प्लस
मैंने ऑलरेडी आपको मास लिखवा दिया है, एटॉमिक मास आपको लिखवा दिया था, तब मैंने मेटा है प्लस 4 × 1 हाइड्रोजन का वेट। ये आ जाएगा CH4 का मॉलिक्यूलर वेट, CH4 का मॉलिक्यूलर मास है ना। सिमिलरली अगर C5H12 का निकालना है तो 5 कार्बन का मास, 5 × 12 है ना, 5 × 12 आ जाएगा आपका क्या, 5 कार्बन का मास प्लस 12 हाइड्रोजन का मास, 5 कार्बन का मास प्लस 12 हाइड्रोजन का मास, ये आ जाएगा आपका C5H12 का। इसको आप सॉल्व करोगे 16 आ रहा होगा, 12 × 25 = 12, 72 आ रहा, 72 आ रहा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 6 कार्बन का वेट प्लस 6 हाइड्रोजन का वेट, 6 कार्बन का वेट इतना हो जाएगा प्लस 6 हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा है ना। सिमिलरली अगर आप एलाइड टू CO3 का करोगे, आप एलाइड टू CO3 का करोगे तो कैसे होगा, देखें 2 × लिथियम का मास, 2 × लिथियम का मास, लिथियम का मास कितना होता है 7 प्लस 1 कार्बन का मास प्लस 3 ऑक्सीजन का मास, 2 × लिथियम का मास क्योंकि 2 लिथियम, 2 × लिथियम का मास क्योंकि 2 लिथियम प्लस 12 कार्बन का मास प्लस 3 × 16 क्या जाएगा ऑक्सीजन का मास। इसको सॉल्व करोगे तो आपका लिथियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा। कैल्शियम का मास कितना 40, 1 कैल्शियम का मास प्लस 1 कार्बन का मास, 1 कैल्शियम का मास प्लस 1 कार्बन का मास, ठीक है। तो कैल्शियम का मास, 1 कैल्शियम का मास प्लस 1 कार्बन का मास प्लस 3 ऑक्सीजन का मास। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 mg आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ मैं आपको मॉलिक्यूल देता हूं जो आपको घर से करके जाना है, जो जिसका आपको घर से बताना है, ठीक है। ALN का बताइएगा आप घर से, ALN का, ALN है ना। जो मास मैंने आपको नोट कराया आप नोट करके रखिएगा, चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताया C6H12 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, ठीक है। चलिए मैं नोट कराता हूं, फास्फोरस का 31, ठीक है। नेक्स्ट आप करके लाइएगा C6H12 के अलावा, आप करके लाइएगा C6H14O, इसका करके लाइएगा, ठीक है। उसके अलावा Na2CO3 का करके लाइएगा, सोडियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है। उसके अलावा Na2SO4 का करके लाइएगा, सल्फर का 32 सबका बता दिया। उसके अलावा CeSO4 का करके लाइएगा, कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। उसके अलावा आप करिएगा CaCl2, कैल्शियम का बता चुके हैं, क्लोरीन का 35.5 होता है, NaCl का करके लाइएगा, ठीक है, LiCl का करके लाइएगा, लिथियम का 7 होता है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का करके लाइएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का आपको पता ही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का करके लाइएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर ऑक्साइड का करके लाइएगा, सल्फर ऑक्साइड का करके लाइएगा, ठीक है। इन सब का आप कैलकुलेट करके लाइएगा मॉलिक्यूलर मास, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके वीडियोस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन सब का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा बच्चों, लेक्चर नंबर फाइव ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमने सीखा कि एटॉमिक मास क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, इट इज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट सेम टर्म होता है, दैट इज मास ऑफ वन एटम। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फिर हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका सीखा, इसको खूब प्रैक्टिस करिए, मुझे पता है कि बहुत सारा अनायास करवाया मॉलिक्यूलर प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा, क्योंकि इसको आपको बार 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 करना है, क्लास 12 तक के प्रोसेस दोहराना आपको जो आज मैंने सिखाया, इतना ज्यादा मॉलिक्यूल का मुझे लेके क्या करने की जरूरत थी। कुछ बच्चे आप में से बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनको एक दो मॉलिक्यूल के बाद समझ में आ गया होगा कि क्या है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप खुद से भी जाके घर करें, ठीक है। मुझे पता है नहीं, आप मुझे मेरे सामने से तो दिखते नहीं हो, अगर आप सिंसियर होते तो मैं 2 मॉलिक्यूल देख करके बाकी आपसे 100 मॉलिक्यूल के लिए घर का काम दे देता, लेकिन अभी मुझे क्लास में करवाना पड़ेगा जिससे आप सीखो, राइट। तो ठीक है, इसी के साथ लेक्चर नंबर 5 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल होता है खत्म, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में गाइस, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, किताब उताब पढ़ो बढ़िया से, ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करो,
कोई भी डाउट आए तो उसको है ना पूछो। अच्छे से पढ़ाई करो गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय।